हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड जो लोग अभी प्रोफेशन के अंदर काम कर रहे हैं, मीन्स एमआर जॉब में, मार्केटिंग में, फार्मा सेल्स में जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों का काफ़ी कमेंट आया सर डिटेलिंग कैसे इंप्रूव करें। देखिए, डिटेलिंग के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ फ्रेंड, फोल्डर कैसे पकड़ें और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। बट मैंने कहा चलो ठीक है, डिटेलिंग के ऊपर तो वीडियो बना चुका हूँ, और वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था क्योंकि टाइम की शॉर्टेज थी और मेरे पास थोड़ा सेटअप टाइप का नहीं था, तो इसलिए मैं किसी के साथ वो बिल्कुल जो प्रैक्टिकल सिचुएशन होती वैसा नहीं बना पाया। लेकिन मैंने कहा चलो एक सीरीज स्टार्ट करते हैं डिटेलिंग टिप्स के ऊपर। ठीक है, अब मैं ये टिप्स सीरीज क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें डिटेलिंग के ऊपर मैं कई वीडियोज बनाने वाला हूँ। क्यों बना रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा अबाउट मी वाला वीडियो देखा हो, ठीक है, नहीं तो देखा है तो इसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन, मतलब आई बटन पे भी आ जाएगा और नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप देख लीजिएगा अबाउट मी का मेरा वीडियो। मैं शुरू से ही डिटेलिंग में परफॉर्मर रहा हूँ, मीन्स मैंने जितने भी प्राइस पाए हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्राइस जो है डिटेलिंग के लिए रहे हैं। ठीक है, डिटेलिंग मैंने अपना अच्छा कैसे किया और आप अपना डिटेलिंग कैसे अच्छा कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको रेगुलर टिप्स देता रहूँगा। ठीक है, एक डिटेलिंग सीरीज का पूरा वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और डिटेलिंग आपने अच्छा कर लिया तो सेल डेफिनेटली इंक्रीज आपकी हो जाएगी, उसको इंक्रीज होने से कोई रोक नहीं सकता, आपका इंप्रेशन डॉक्टर चैम्बर के अंदर एकदम ऑसम हो जाएगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, चलिए आज छोटा सा वीडियो और डिटेलिंग टिप्स के बारे में जानते हैं। तो पांच ऐसे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जिसको इंप्लीमेंट करके अपनी डिटेलिंग को आप एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। पहला, जो सबसे, चाहे किसी भी फील्ड से आप किसी भी बैकग्राउंड से आ पाए हो, कुछ लोग फार्मेसी करके आते हैं, उनकी देखो डिटेलिंग जाहिर सी बात है अच्छी रहेगी क्योंकि वो फार्मेसी करके उसी प्रोफेशन से, बट जो लोग बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, बीकॉम किए हैं या फिर किसी और फील्ड से ग्रेजुएट हैं और फार्मा प्रोफेशन के अंदर आ गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स, सबके लिए ये वीडियो है, सभी को ये पॉइंट तैयार करना है। पहला क्या काम करना है आपको, विजुलेट का टेक्स्ट तैयार करना, अच्छे तरीके से उसको मेमोराइज करिए। ठीक है, ये पहली रिक्वायरमेंट होती है डिटेलिंग की। डिटेलिंग कभी भी, जब तक आप देख के डिटेलिंग करते रहेंगे, कभी भी डिटेलिंग आपकी अच्छी नहीं होने वाली, ना ही डॉक्टर सुनेगा आप लोगों को। मैंने कई लोगों को कमेंट दिया सर डिटेलिंग डॉक्टर सुनता ही नहीं। सुनता है मेरे भाई, हम भी फील्ड के अंदर हैं, हम भी काम करते हैं, मैं भी डिटेल करता हूं, ठीक है, पूरी डिटेलिंग डॉक्टर सुनता है। कभी कभी जल्दी में रहता तो हम खुद ही देखें जल्दी में डॉक्टर, हम क्यों उसको पूरा डिटेल करेंगे यार, सिंपल सी बात है। ठीक है, डिटेलिंग डॉक्टर पूरा सुनता है, आप डॉक्टर से ज़्यादा जल्दी में रहते हैं, रियलिटी ये है। क्यों? क्योंकि आपको डिटेलिंग तैयार नहीं होता, थोड़ा ब्रांड नेम बताया, साल्ट बताया, उसके बाद डोज बताया और भाग लिया वहां से, आपको ज़्यादा जल्दी होती है। ठीक, डिटेलिंग डॉक्टर सुनता है। पहला पॉइंट है मेमोराइज टेक्स्ट वेरी वेल एंड प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। ठीक है, सेकंड पॉइंट है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, जो भी टेक्स्ट दिया हुआ है उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। जो आपका सीनियर आपके साथ काम करने आएगा उसको बैठाइए आधा घंटा एक घंटा, सारे सभी टेक्स्ट को पढ़िए उसके सामने कि सर मैं सही पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं, आपको रेक्टिफाई करेगा आपका मैनेजर। ठीक है, अगर मैनेजर, बहुत सारी छोटी मोटी कंपनी में जो पीजी बेस्ड कंपनी में लोग काम कर रहे हो, सर मेरा मैनेजर मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, जो अच्छे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए। ठीक है, उसके साथ बैठिए कि यार मेरा थोड़ा सा डिटेलिंग के ये वर्ड में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, देखो मैं सही प्रोनंसिएट कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, ठीक है, उनसे चेक करवा लीजिए। बट करेक्ट प्रोनंसिएशन बहुत जरूरी है डॉक्टर चैम्बर के अंदर इंप्रेशन बनाने के लिए। तीसरा है, जो आपके विजुलेट पेज के ऊपर आपने देखेंगे बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म लिखे होते हैं, जैसे आईबीएस लिखा होता है, आईबीडी लिखा होता है, जीआईटी लिखा होता है, इन सबका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। आपके विजुलेट के अंदर कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए जिसका फुल फॉर्म आपको ना पता हो। जैसे आईबीएस लिखा होता है मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीडी इरिटेबल बाउल डिजीज, जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, एमआई कहीं क्या एमआई लिखा होता, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट वर्ड आके विजुलेट पे दिए होते हैं, तो सभी का डिटेल आपको पता होना चाहिए, फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट तीन पॉइंट हो गए ना, चौथे पॉइंट की बात करूँ, डिटेलिंग की प्रैक्टिस आपको डेली करनी चाहिए, भले ही आप एक्सपीरियंस हो गए हो एक साल, दो साल, तीन साल, विजुलेट चेंज होता रहता है फ्रेंड, हर बार मीटिंग में आप जाते हैं आपको नया विजुलेट मिल जाता है, कुछ कंपनी में साल में दो बार विजुलेट मिलता है। जब भी आप देखिए विजुलेट तैयार करते रहेंगे, प्रोडक्ट नॉलेज 100% बढ़ेगा आपका, घर पे चाहे शाम के टाइम या सबसे बेस्ट होता है सुबह, पूरा रेडी अप हो गए निकलने से पहले आधे घंटा एक हैबिट बनाइए कि मुझे डिटेलिंग पढ़नी है, आधे घंटे विजुलेट को पलटिए, पूरा पढ़िए डिटेलिंग को। ठीक है, कुछ वर्ड नहीं समझ में आ रहा है उसको नोट करिए, लिखिए, या किसी डॉक्टर से कुछ बात हुई, इंटरेक्शन हुआ है तो उसको रिकैप करिए उस समय, तो आधे घंटा डेली प्रैक्टिस आप करिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सॉरी तीसरी नहीं, लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज डॉक्टर चैम्बर के अंदर, देखिए आपको डिटेलिंग अच्छे से याद है या नहीं याद है, डिटेलिंग थोड़ा स्लो करिए, डॉक्टर ज्यादा जल्दी में नहीं है, आप जल्दी में जल्दी डिटेलिंग करो क्योंकि आपकी अंदर से ना डर बना रहता है, अपने डर को भगाइए,
डॉक्टर के सामने ब्लंट बनिए बिल्कुल से। जब तक आप ब्लंट नहीं बनेंगे तब तक अपनी बात को आप जो है डॉक्टर से क्लियरली नहीं कह पाएंगे। तो डॉक्टर चैम्बर के अंदर कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल टॉप लेवल पे होना चाहिए और जो अपना माउथ है वो बिल्कुल ब्लंट होना चाहिए। ठीक है, आपको जो आप कुछ जानते हैं उसको ब्लंटली बिल्कुल बताना है आपको। तो आप क्या करेंगे डॉक्टर सामने डॉक्टर चैम्बर के अंदर विद कॉन्फिडेंस आप चीज़ों को थोड़ा स्लो बोलिए। जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ा जाता है, साथ ही साथ क्या होता है कि हम पूरा नहीं बोल पाते हैं हमारे अंदर डर की वजह से। आप किसी भी चीज़ को जब डिटेल करेंगे थोड़ा स्लोली स्लोली करेंगे ना तो आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा। और जब वो पूरा टेक्स्ट आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा तब आप कितना भी तेज बोलिएगा आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्रेंड। तो ये सिंपल सिंपल स्टेप मैं बताऊँ, मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत बार मिस्टेक करता है, आपने वीडियो के अंदर देखा होगा कई बार मैं प्रोनाउंसिएट गलत कर जाता हूँ। रीजन ये है कि मेरा स्लिप टंग का प्रॉब्लम है, नेचुरल प्रॉब्लम है। पहले स्टार्टिंग में डिटेलिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, मुझे दिक्कतें आती थी, लेकिन ये चीज़ मैंने डेवलप किया। अब मैं डॉक्टर चैम्बर के अंदर मेरा प्रोनाउंसिएशन कभी गड़बड़ नहीं होता क्योंकि मैं चीज़ों को उसी वे में बोलता हूँ। और ये चीज़ मैंने अपने सीनियर से सीखा है। कभी कभी मेरे एक सीनियर डिटेल करने आते थे, वो इतना धीरे बोलते थे लगता था अब सेंटेंस उनका खत्म हो गया है, अब सेंटेंस है नहीं, लेकिन वो आगे भी बोलते थे। वहां से मैंने फिर अपने आप को बहुत प्रैक्टिस किया कि मैं डिटेलिंग स्लो करूंगा। आप डिटेलिंग स्लो करिए, पूरा करिए, डॉक्टर को पूरा डिटेल नॉलेज दीजिए, डॉक्टर सब कुछ सुनेगा। ठीक है, ये छोटी सी टिप्स, छोटा सा वीडियो, और इसी तरह डिटेलिंग टिप्स आपको डिटेलिंग सीरीज में मिलता रहेगा। डिटेलिंग पूरा कंप्लीट सीरीज में बना रहा हूँ, देखिए इसमें कितने वीडियोज आती हैं, लेकिन जो भी वीडियोज होंगी आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बने रहिए चैनल पे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पास में बेल आइकन दिया हुआ है उसको आप हिट कर दीजिए, और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो चैनल के अंदर आप जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दे दिया है, एक बार उनको ओपन करके फ्रेंड देखिए, आपके लाइफ में आपकी जॉब में कहीं ना कहीं वो वैल्यू एडिशन का काम करेंगे। ठीक है, एंड इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।